हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। पिछले दो तीन वीडियो के अंदर मैंने आपको कक्षा 10 सोशल साइंस चैप्टर सेकंड के बारे में आपको बता रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारे वन और वन्य जीव। आज उसी टॉपिक में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको और बता रही हूँ। उन वीडियो को आप उसे समझने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले आपको बता रही हूँ जो हमारा शेष बचा है उन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जैव विविधता है क्या, जैव विविधता क्या है। याद रखना फ्रेंड्स, किसी प्राकृतिक प्रदेश में, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू, जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं व पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा जैव विविधता के आपके सामने है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली और जो पालतू जीव जंतु हैं वे, और साथ ही पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। उसके बाद ये जो जैव विविधता है इसे हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके कुछ उदाहरण से उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे आम एक पेड़ है लेकिन तो इनकी अनेक किस्में हैं। जैसे किस्म से हमारा यहाँ तात्पर्य प्रजातियों से है। जैसे कुछ किस्मों के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक नंबर पे दशहरी, दो नंबर पे अल्फांसो आम की एक प्रजाति है, और तीन नंबर पे है मालदा, चार नंबर पे है लंगड़ा, और पांच नंबर पे है चौसा। तो दिखने में तो हमें ये आम दिखेंगे लेकिन ये आम की अनेक किस्में हैं, आम की अनेक प्रजाति हैं। वैसे ही दूसरा जो एग्जांपल लेते हैं वो हम लेते हैं मछली का, कि जो मछली है वो एक जलीय जीव है किंतु इसकी भी अनेक किस्में हैं जिन्हें हम प्रजातियां कहते हैं। देखिए, मछली की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। एक नंबर पे है झींगा मछली, दो नंबर पे है कतला, तीन नंबर पे है रेहू, चार नंबर पे है शार्क, और फ्रेंड्स पांच नंबर पे आती है अपने व्हेल। अर्थात ये सब मछलियां ही हैं लेकिन उन मछलियों की ये अलग अलग किस्में हैं। वैसे ही हम पेड़ पौधे को भी विभिन्न उनकी जो किस्में हैं उनके द्वारा है हम इस चीज को जान सकते हैं। तो ये था हमारा जैव विविधता। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताती हूँ
कि जैव विविधता है वो मानव के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैव विविधता क्वेश्चन सही मानो इसको आप, एक तरह से मानव के लिए जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं। मानव व जीवधारी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भोजन तथा अन्य जरूरी चीजें एक दूसरे से ही पूरी होती है। इसलिए जो ये जैव विविधता होती है वो मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद देखते हैं हम अगला जो इसमें पॉइंट है। आम वाला मैंने आपको बता दिया है, मछली वाला मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ पर्यावरण के बारे में कि ये पर्यावरण क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण किसी भी सजीव प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग स्थान वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। जो सजीव प्राणी है, अर्थात हम एक लाइन में इसको ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी के बारे में कि ये जो पारिस्थिति है वो क्या है, पारिस्थिति या पारितंत्र क्या है। पारिस्थितिकी या पारितंत्र, पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या है। देखिए, यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सभी ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण
द्वारा स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं या संबंधित होते हैं। इसे हम पारितंत्र या परिस्थिति के नाम से जानते हैं। द्वारा ये वो तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें निवास करते हैं। सभी ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। ये जो प्रक्रिया चलती रहती है उसे परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो मैंने आपको ये बता दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन और इसके अंदर हमारा देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक संघ है जिसका नाम है प्रकृति संरक्षण का, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है प्रकृति संरक्षण से संबंधित, उसे हम देखते हैं प्रकृति संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। प्रकृति से संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसका जो नाम है इंटरनेशनल, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे हम शॉर्ट में IUCN के नाम से जानते हैं। तो आपको इस IUCN की जो फुल फॉर्म है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम कि तीन चार मैंने वहाँ आपको शब्द बताए थे जो पिछला जो हमारा टॉपिक था भाग दो वाला कि उनके क्या मतलब क्या अर्थ होगा। जैसे मैंने आपको बताया था दावानल, ये दावानल ये क्या है देखिए, जब किसी वन क्षेत्र में एक भाग या संपूर्ण हिस्से में, एक भाग या संपूर्ण हिस्से में आग लगने से पेड़ पौधे और जीव जंतु जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसे हम दावानल कहते हैं। आप देखते हैं कि जो दावानल है इसके कारण क्या हैं। एक नंबर पे आता है वनस्पति व मिट्टी का सूखना। जब उससे वनस्पति और जब मिट्टी है वो सूख जाती है तो वहां आग लगने की ज्यादा संभावना हो जाती है। वनस्पति और मिट्टी का सूखना तथा आर्द्रता का कम होना ये दावानल का एक प्रमुख कारण है। और जो आग लगने की घटना है या बिजली गिरने से हो सकती है या दो पत्थर जो आपस में रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे सूखी वनस्पति में आग लग जाती है, या फिर किसी मानवीय गतिविधि के कारण भी वहां पर आग लग जाती है। एक और शब्द है जो वहां हमारा आया था और उस शब्द का नाम था विषाक्तकरण। क्या नाम था उसका? विषाक्तकरण। वन्य और वन्य जीवों के जो विनाश था उनसे संबंधित था ये दावानल और विषाक्तकरण। देखते हैं हम क्या है ये। उद्योगों से निकलने वाले कचरे
उद्योगों से निकलने वाले कचरे तथा कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कीटनाशकों कीटनाशकों वे रासायनिक उर्वरकों से वे रासायनिक उर्वरकों से जल व भूमि में प्रदूषण जल और भूमि में प्रदूषण होता है जल और भूमि में प्रदूषण होता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस घटना को हम विषाक्तकरण के नाम से जानते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें तभी आपको आसानी से टॉपिक्स हैं जो समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको एक तथ्य और बता रही हूँ कि ये वाणिज्य वाणी की क्या है। देखिए वाणिज्य वानिकी की ये जो वाणिज्य वानिकी है ये क्या है। देखिए इमारती वृक्षों का रोपण इमारती वृक्षों का रोपण वाणिज्य वानिकी कहलाता है। वाणिज्य वाणिकी कहलाता है। इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो इमारती वृक्ष हैं जिनसे हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं उनका जो रोपण किया जाता है उसे वाणिज्य वाणिकी कहा जाता है। इन वृक्षों के लगाने का उद्देश्य इन वृक्षों के लगाने का जो उद्देश्य है वो है व्यापार के लिए इनकी लकड़ियों का उपयोग करना व्यापार के लिए इनकी लकड़ियों का उपयोग करना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि केवल इमारती वृक्ष ही लगाए जाते हैं क्योंकि उसके द्वारा हमें जो अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। और मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको जो इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को आपको सोल्व कराऊंगी। उससे पहले यदि आपके पास बुक्स अवेलेबल है या मैंने जो आपके पास बुक्स की PDF भेज रखी है आप उसको देख करके इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर है जो कर सकते हैं तभी आपको पता लगेगा कि आपने इन वीडियो के माध्यम से कितना सीखा है। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए। धन्यवाद।